प्यारे बच्चों, आप सभी का इस भौतिक विज्ञान की कक्षा में स्वागत है। मैं प्रीति सिंह, प्रवक्ता राजकीय कन्या इंटर कॉलेज इंदुपुर देवरिया से आज आपके समक्ष कक्षा 11 विषय भौतिक विज्ञान अध्याय 11 द्रव्य के तापी गुण का भाग 1 लेकर उपस्थित हूँ। बच्चों, द्रव्य और ताप से आप परिचित हैं, इसका आपने पिछली कक्षाओं में अध्ययन भी किया है। कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है उसको आप स्पर्श करके, छू करके पता कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। लेकिन कोई वस्तु कितनी ठंडी है, कितनी गर्म है, इसका पता आप उसका टेम्परेचर मेजरमेंट करके यानी कि ताप मापन द्वारा कर सकते हैं, क्योंकि ताप जो होता है किसी वस्तु की गर्माहट और ठंडेपन की माप होती है। वास्तव में किसी वस्तु का ताप वह भौतिक राशि है जो संपर्क में रखी दो वस्तुओं में ऊष्मा प्रवाह की दिशा निर्धारित करता है, जबकि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका स्थानांतरण किन्हीं दो निकायों के बीच या एक निकाय और उनके परिवेश के बीच तापांतर के कारण होता है। बच्चों, आज हम इस अध्याय द्रव्य के तापी गुण के भाग 1 का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि द्रव्य के तापी गुण के शिक्षण बिंदु क्या क्या हैं। बच्चों, हमने इस चैप्टर को 4 भागों में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में आप तापीय प्रसार, जल का असंगत प्रसार और प्रभाव के बारे में जानेंगे, समझेंगे, और भाग 2 में तापीय प्रतिबल, विशिष्ट ऊष्माधारिता, ऊष्माविति के बारे में अध्ययन करेंगे, और भाग 3 में अवस्था परिवर्तन, गुप्त ऊष्मा, ऊष्मा चालकता के बारे में अध्ययन करेंगे, जानेंगे और समझेंगे, और भाग 4 में हम कृष्णिका विकिरण, ग्रीन हाउस प्रभाव और न्यूटन का शीतलन नियम के बारे में जानेंगे, अध्ययन करेंगे। बच्चों, आइए हम कुछ दैनिक जीवन से संबंधित उदाहरणों को लेते हुए आज हम द्रव्य के तापी गुण के भाग 1 का अध्ययन करते हैं, और अध्ययन करते हुए आप उन सभी उदाहरणों के पीछे, उन घटनाओं के पीछे क्या कारण है वो अवश्य समझ सकेंगे, और आप ये जान पाएंगे कि तापीय प्रसार क्या होता है और जल का असंगत प्रसार क्या है और उसका पर्यावरणीय प्रभाव भी क्या है। तो बच्चों, आइए हम देखते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा कि गर्मी के दिनों में जो बिजली के तार होते हैं वो लटक जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं, जबकि ठंडियों में यही तार तन जाते हैं, ये टाइट हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? रेलवे ट्रैक्स आपने देखे होंगे, इस ट्रैक्स में ये जो गैप होता है क्यों होता है? बच्चों, आपने घोड़ा गाड़ी देखा होगा और ये भी देखा होगा कि लोहार इस घोड़े गाड़ी के ये जो लकड़ी का पहिया होता है उस पे ये जो लोहे का रिंग चढ़ाने के पहले उसको गर्म करता है। अनुभव द्वारा हमें ज्ञात है कि जब भी कोई धातु के ढक्कन वाली जो कोई बोतल होती है और वो बहुत टाइट बंद होती है तो उसे खोलने के लिए हम क्या करते हैं, गर्म जल में डालते हैं और ढक्कन का प्रसार होता है और ढक्कन खुल जाती है, बोतल का ढक्कन खुल जाता है। इसी प्रकार अगर पारे की तापमापी है और उसको हम गर्म जल में रखते हैं, जब गर्म जल में डालते हैं तो जो पारे का लेवल होता है वो ऊपर चढ़ जाता है। फिर उसी तापमापी को अगर हम उस गर्म जल से बाहर रखते हैं तो थोड़ी देर बाद उसका जो लेवल था वो नीचे आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें प्रसार होता है। और इसी प्रकार अगर कोई गुब्बारा जो कि ठीक से ना फूला हो, अगर उसको हम गर्म जल में डालते हैं तो वो पूरी अमाप तक फूल जाता है, और जैसे ही उसको निकालेंगे और उसी गुब्बारे को हम ठंडे जल में डालें तो वो सिकुड़ जाता है। तो इन सभी घटनाओं के पीछे कारण क्या है? जी हाँ, इन सभी घटनाओं के पीछे जो कारण है वो है तापीय प्रसार। बच्चों, अनुभव द्वारा आपको ये ज्ञात होगा कि जब भी किसी वस्तु को गर्म की जाती है तो उसमें प्रसार होता है, और जब ठंडा किया जाता है, शीतलन किया जाता है, तो वो वस्तुएँ सिकुड़ती हैं। बच्चों, कि इस प्रकार उनके जो ताप परिवर्तन के कारण उनके विमाओं में अंतर आता है। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि होने पर उसकी विमाओं में वृद्धि होने को तापीय प्रसार कहते हैं। तापीय प्रसार के पीछे क्या कारण है? वास्तव में जब हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और मॉलिक्यूल्स के बीच की जो माध्य औसत दूरी होती है वो बढ़ जाती है, जिससे उसके विमाओं में प्रसार हो जाता है। हम बात करते हैं ठोसों की, तो ठोसों के चूँकि आकार और आयतन निश्चित होता है, इसलिए ताप परिवर्तन से उनके लंबाई, चौड़ाई,
मोटाई में परिवर्तन होगा, या यह कह लें कि जब हम ताप बढ़ाते हैं तो उसमें आयतन और क्षेत्रफल में भी परिवर्तन होता है। तो ठोसों के लिए जो तापीय प्रसार होता है वो तीन प्रकार का होता है, रैखिक प्रसार, क्षेत्र प्रसार और आयतन प्रसार। रैखिक प्रसार क्या होता है, कोई ऐसी छड़ जिसकी चौड़ाई उसकी लंबाई की तुलना में नगण्य हो, बहुत ही कम हो, तो उसके जब हम ताप में वृद्धि करते हैं तो ये क्या होता है, इसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है, और लंबाई में वृद्धि को ही हम रैखिक प्रसार करते हैं। कोई पटल है, अगर उस पटल को हम गर्म करते हैं तो उसकी क्षेत्रफल में वृद्धि होती है, और क्षेत्रफल में वृद्धि को क्षेत्र प्रसार कहते हैं। और अगर कोई ऐसा पदार्थ है जिसमें ताप परिवर्तन के ताप बढ़ाने पर उसके आयतन में परिवर्तन होता है तो उसे हम कहते हैं आयतन प्रसार। बच्चों आइए हम ठोसों के तापीय प्रसार का विस्तृत अध्ययन करते हैं। रैखिक प्रसार क्या होता है, सबसे पहले देख लीजिए कि जब किसी ठोस के छड़ में लंबाई में वृद्धि होती है उसे हम बोलते हैं रैखिक प्रसार। हम बात करते हैं एक छड़ की, मान लीजिए कोई छड़ है और जिसकी लंबाई L है, अगर उसके ताप में डेल्टा टी टेम्परेचर वृद्धि करने पर मान लीजिए इसकी लंबाई जो हो जाती है वो L प्लस डेल्टा L हो जाती है, तो प्रायोगिक परीक्षण ये दर्शाते हैं कि जो लंबाई में वृद्धि डेल्टा L होती है वो उसके मूल लंबाई L तथा ताप वृद्धि डेल्टा T के अनुक्रमानुपाती होती है। इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L इंटू डेल्टा T। अब जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो वहाँ पे हम इक्वल साइन लगाने के बाद एक कांस्टेंट प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा L इज इक्वल टू अल्फा L L इंटू डेल्टा T। ये जो अल्फा L होता है इसे रैखिक प्रसार गुणांक कहते हैं, जो पदार्थ का अभिलक्षण होता है। यहाँ से बच्चों आप देखिए तो अल्फा L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा L अपान L इंटू डेल्टा T। यदि डेल्टा T जो है इसको हम कर देते हैं 1, अर्थात जो ताप में परिवर्तन वो एकांक होता है, तो हम रैखिक प्रसार गुणांक को डिफाइन कर सकते हैं कि किसी पदार्थ की छड़ के ताप में एकांक वृद्धि करने पर छड़ की लंबाई में वृद्धि तथा छड़ की प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को उस पदार्थ का रैखिक प्रसार गुणांक अल्फा एल कहते हैं। इसका मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस या प्रति केल्विन होता है। अब मान लीजिए कि छड़ है, जो छड़ का 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे छड़ की लंबाई है वो L0 है, और T डिग्री सेल्सियस पे लंबाई LT हो जाती है, तो हम लिख सकते हैं LT इक्वल टू L0 प्लस डेल्टा L। यहाँ पे डेल्टा L जो लंबाई में वृद्धि हुई, तो T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इसकी लंबाई होगी, तो मूल लंबाई L0 है और प्लस डेल्टा L। यहाँ से हम लिख सकते हैं L0 और प्लस डेल्टा L क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा L की जगह यहाँ से देखिए हम लिख सकते हैं कि अल्फा L L0 और डेल्टा T। बच्चों यहाँ पे L0 प्लस अल्फा L फिर L0 जो हो जाएगा, और डेल्टा टेम्परेचर में वृद्धि क्या है, चूँकि छड़ का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से T डिग्री सेल्सियस किया जा रहा है, इसलिए हो जाएगा T माइनस 0। और यहाँ से हम लिख सकते हैं LT इक्वल टू हो जाएगा L0 प्लस अल्फा L L0 T, और यहाँ से आप देखेंगे हो जाएगा LT इक्वल टू ये हो जाएगा L0 1 प्लस अल्फा L T। ये किसी टी ताप पे जो छड़ की लंबाई क्या होगी उसके लिए इक्वेशन है। तो बच्चों आइए देखिए यहाँ पे ये कुछ पदार्थों के लिए रैखिक प्रसार गुणांक के मान दिए गए हैं। इसमें आप देख सकते हैं एल्युमिनियम के लिए 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 प्रति केल्विन है। इसी प्रकार पीतल, लोहा, तांबा, चांदी, सोना, कांच के लिए यहाँ पे रैखिक प्रसार गुणांक के मान दिए गए हैं। आप देखेंगे कि जो ये धातुओं हैं एल्युमिनियम और ये सब पीतल, लोहा, तांबा, चांदी, सोना, वो कांच और लेड के कंपेरिजन में उसका रैखिक प्रसार गुणांक अधिक है। हम कह सकते हैं कि इसमें प्रसार ज़्यादा होता है। बच्चों
आइए हम क्षेत्र प्रसार के बारे में जानते हैं। जब किसी पटल के क्षेत्रफल में परिवर्तन होता है तो हम बोलते हैं कि वो उसमें क्षेत्र प्रसार हो रहा है। मान लीजिए किसी जो पटल है उसका प्रारंभिक क्षेत्रफल ए है और इसके ताप में डेल्टा टी टेम्परेचर में वृद्धि करने पर इसका जो क्षेत्रफल हो जाता है वो ए प्लस डेल्टा ए होता है। प्रायोगिक प्रेक्षण ये दर्शाते हैं कि जो डेल्टा ए होगा अर्थात क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगा वो प्रारंभिक क्षेत्रफल ए और जो ताप वृद्धि डेल्टा टी थी उसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो लिख सकते हैं डेल्टा ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इंटू डेल्टा टी। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल्टा ए इजकल टू अल्फा ए इंटू ए इंटू डेल्टा टी। यहाँ से अल्फा ए इजकल टू हो जाएगा डेल्टा ए अपान ए इंटू डेल्टा टी। यहाँ से अगर हम टेम्परेचर में जो वृद्धि है डेल्टा टी उसको हम लिखते वन अर्थात तो जो ताप परिवर्तन होता है वो एकांक होता है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं अल्फा ए इजकल टू डेल्टा ए अपान ए। और यहाँ से हम अल्फा ए जो कि क्षेत्र प्रसार गुणांक है कोफिशियंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन है उसको डिफाइन कर सकते हैं कि किसी पदार्थ के पटल के ताप में एकांक वृद्धि करने पर पटल के क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि तथा पटल के प्रारंभिक क्षेत्रफल के अनुपात को उस पदार्थ का क्षेत्र प्रसार गुणांक कहते हैं, कोफिशियंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन कहते हैं। और इसी प्रकार आयतन प्रसार क्या होगा, यदि किसी पिंड का प्रारंभिक आयतन भी है और इसके तापमान में डेल्टा टी वृद्धि की जाती है और उसका आयतन भी प्लस डेल्टा भी हो जाता है तब हम लिखते हैं कि जो आयतन में वृद्धि डेल्टा भी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगी भी इंटू टेम्परेचर में वृद्धि डेल्टा टी। और यहाँ से आप लिख सकते हैं डेल्टा भी इजकल टू अल्फा भी इंटू डेल्टा टी। और यहाँ से अल्फा भी की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी डेल्टा भी अपान भी इंटू डेल्टा टी। और यहाँ पे अल्फा भी को हम बोलते हैं आयतन प्रसार गुणांक या कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। बच्चों अगर ये टेम्परेचर में जो परिवर्तन हुआ जो ताप वृद्धि एकांक हो तो हम कह सकते हैं कि किसी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने पर पदार्थ के आयतन में होने वाली वृद्धि तथा पदार्थ के प्रारंभिक आयतन के अनुपात को हम आयतन प्रसार गुणांक अल्फा भी कहते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा अल्फा भी वास्तव में नियतांक नहीं होता है, ये ताप पर निर्भर करता है और उच्च ताप पर ये नियतांक की तरह व्यवहार करता है लेकिन ये भी पदार्थ का अभिलक्षण ही होता है। तो आइए इसको हम समझते हैं, जैसे कि तांबे का जो आयतन प्रसार गुणांक है वो टेम्परेचर के साथ अगर उसका ग्राफ देखा जाए तो हम देखते हैं कि क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ये तांबे का आयतन प्रसार गुणांक बढ़ता जाता है अर्थात वो ताप पे डिपेंडेंट है लेकिन उच्च ताप पे ये कुछ कांस्टेंट होता है। इसीलिए आयतन प्रसार गुणांक जो होता है उच्च ताप पर कांस्टेंट होता है। बच्चों आइए हम देखते हैं रैखिक प्रसार गुणांक तथा आयतन प्रसार गुणांक में क्या संबंध है। मान लीजिए कि L लंबाई का या L भुजा का एक घन है और उसमें डेल्टा टी ताप की वृद्धि करने पर इसकी जो भुजा हो जाती है वो हो जाती है L प्लस डेल्टा L। तो इस घन का जो प्रारंभिक आयतन क्या होगा वो होगा V इजकल टू L क्यूब, ये क्वेश्चन नंबर 1। और डेल्टा टी ताप वृद्धि के बाद उसके जो आयतन हो जाएगा वो हो जाएगा माना भी प्लस डेल्टा भी, मतलब आयतन में उसके डेल्टा भी की वृद्धि हो रही है और इसको हम लिख सकते हैं एल प्लस डेल्टा एल का क्यूब। अब आयतन में वृद्धि कितनी हुई वो होगी डेल्टा भी और इसको लिख सकते हैं भी प्लस डेल्टा भी माइनस भी और इसको हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा एल प्लस डेल्टा एल का क्यूब और ये हो जाएगा भी की जगह हम इक्वेशन 1 से लिखें तो ये हो जाएगा एल क्यूब। बच्चों आप ए प्लस बी का क्यूब जानते हैं, ए प्लस बी का जो क्यूब होता है वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab² प्लस 3a²b। यहाँ से हम L प्लस डेल्टा L का होल क्यूब लिख सकते हैं L क्यूब प्लस डेल्टा L क्यूब प्लस 3L डेल्टा
एल स्क्वायर प्लस 3 डेल्टा एल इंटू एल स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस एल क्यूब। अब आप देखिए यहाँ पे प्लस एल क्यूब है, ये माइनस एल क्यूब है, ये हो जाएगा कैंसिल। बच्चों यहाँ से देखिए ये एल क्यूब और डेल्टा एल स्क्वायर नेग्लिजिबल होगा क्योंकि डेल्टा एल जो वृद्धि होती है बहुत ही कम होती है और उसका स्क्वायर जो होंगे और क्यूब होंगे वो और भी कम होंगे तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। और यहाँ से लिखते हैं डेल्टा भी इजकल टू 3 डेल्टा एल एल स्क्वायर। अब इसमें एल बाई एल का हम गुणा कर देते, ये हो जाएगा डेल्टा भी इजकल टू 3 डेल्टा एल एल स्क्वायर इंटू एल बाई एल और इसको हम लिख सकते हैं 3 डेल्टा एल बाई एल और ये लिख सकते हैं एल क्यूब। इक्वेशन 1 से देखिए एल क्यूब क्या है, प्रारंभिक आयतन भी, तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा भी इजकल टू 3 डेल्टा एल बाई एल और ये हो जाएगा इंटू भी। बच्चों रैखिक प्रसार गुणांक से आपको पता है कि अल्फा एल इजकल टू होता है डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी। यहाँ से आप लिख सकते हैं कि डेल्टा एल बाई एल होगा वो होगा अल्फा एल इंटू डेल्टा टी। अब इसकी वैल्यू हम अल्फा एल इंटू डेल्टा टी इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा भी इजकल टू 3 अल्फा एल इंटू डेल्टा टी और भी। अब हम डेल्टा टी और भी को बाय पक्ष में लाते हैं तो ये हो जाएगा डेल्टा भी भी अपान भी इंटू डेल्टा टी और ये हो जाएगा 3 अल्फा एल। अब ये जो टर्म डेल्टा भी अपान भी इंटू डेल्टा टी है वो क्या है, पदार्थ का आयतन प्रसार गुणांक, इसको लिख सकते हैं अल्फा भी और अल्फा भी हो जाएगा ये हो जाएगा 3 अल्फा एल। अर्थात किसी पदार्थ का जो आयतन प्रसार गुणांक होता है उसके रैखिक प्रसार गुणांक का तिगुना होता है। बच्चों इसी प्रकार जब आप रैखिक प्रसार गुणांक तथा क्षेत्र प्रसार गुणांक में संबंध ज्ञात करेंगे तो आप देखेंगे वहां पे आता है कि अल्फा ए इक्वल टू 2 अल्फा एल। इस प्रकार जो तीनों प्रसार गुणांक में जो संबंध होता है वो होता है अल्फा एल इज टू अल्फा ए इज टू अल्फा भी इजकल टू ये हो जाएगा 1:2:3। ये जो संबंध होता है अल्फा एल और अल्फा ए अल्फा भी में ये रिलेशन होता है। बच्चों आपने ठोसों का प्रसार देखा तापीय प्रसार, आइए हम द्रव के तापीय प्रसार की बात करते हैं। चूंकि द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है इसलिए इसमें केवल आयतन प्रसार होता है। द्रव में प्रसार को आप एक प्रयोग द्वारा समझ सकते हैं कि एक फ्लास्क में हम लिक्विड लेते हैं और उसमें एक पाइप डाल के उस फ्लास्क में पूरा द्रव भरा होता है और उसमें हम पाइप डाल के उसको बंद कर देते हैं और जिस पाइप में लेवल होता है L1 तक और उसको हम जब पहले गर्म करते हैं, गर्म करने पर क्या होगा कि सबसे पहले इस कंटेनर का इस फ्लास्क का तापीय प्रसार होगा जिसके कारण जो द्रव का लेवल था वो कहाँ आ जाएगा L2 पे। और जैसे ही द्रव का लेवल L2 पे आएगा और फिर और आगे अगर हम गर्म करेंगे तो ये लेवल उठ के L3 पे जाएगा। बच्चों अगर हम ये जो L1 L2 है क्या है, ये कंटेनर में एक्सपेंशन हुआ, बर्तन में जो एक्सपेंशन है वो है प्रसार है। अगर इसको ध्यान न दें तो हमें लगेगा कि जो प्रसार हुआ वो L1 L3 है अर्थात वो अपेरेंट एक्सपेंशन है। यदि बर्तन के प्रसार का ध्यान न रखते हुए द्रव का प्रसार नापा जाए तो उसे द्रव का आभासी प्रसार कहते हैं। और द्रव का वास्तविक प्रसार क्या होगा, यदि बर्तन का प्रसार का ध्यान रखते हुए द्रव का प्रसार नापा जाए तो द्रव में जो प्रसार होता है उसे वास्तविक प्रसार कहते हैं। जो L3 और L2 है, ये L3 L2 जो होगा वो द्रव का वास्तविक प्रसार होगा और आप देख सकते हैं चित्र से कि L3 L2 क्या हो जाएगा, वो L1 L3 प्लस L1 L2 अर्थात द्रव का वास्तविक प्रसार बराबर द्रव का आभासी प्रसार प्लस बर्तन का प्रसार। बच्चों अभी जिस प्रकार हम आयतन प्रसार गुणांक देखे वैसे ही हम द्रव के आभासी प्रसार गुणांक को भी समझ सकते हैं।
देखिए कि किसी द्रव के ताप में एकांक वृद्धि करने पर द्रव के आयतन में होने वाली आभासी वृद्धि तथा द्रव के प्रारंभिक आयतन अनुपात को उस द्रव का आभासी प्रसार गुणांक करते हैं, और अल्फा भी आभासी इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा भी अपान भी इंटू डेल्टा टी। यहाँ पे ए इसलिए लगाए हैं कि अपेरेंट मतलब आभासी परिवर्तन हुआ। इसी प्रकार द्रव का वास्तविक प्रसार गुणांक हो जाएगा कि किसी द्रव के ताप में एकांक वृद्धि करने पर द्रव के आयतन में होने वाली वास्तविक वृद्धि तथा द्रव के प्रारंभिक आयतन के अनुपात को द्रव का वास्तविक प्रसार गुणांक कहते हैं, और ये हो जाएगा अल्फा भी वास्तविक इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा भी आर अपान भी इंटू डेल्टा टी। तो इस प्रकार आयतन में जो वास्तविक वृद्धि होता है वो आयतन में आभासी वृद्धि प्लस बर्तन के आयतन में वृद्धि होता है। अब यहाँ देखिए कि जो आयतन में वास्तविक वृद्धि, यहाँ से क्या लिख सकते हैं डेल्टा भी आर बराबर क्या हो जाएगा अल्फा भी इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ पे हमने लिखा अल्फा भी वास्तविक इंटू भी इंटू डेल्टा टी, इसी प्रकार अल्फा भी आभासी इंटू भी इंटू डेल्टा टी, और फिर अल्फा भी बर्तन का जो होगा भी इंटू डेल्टा टी। तो इस प्रकार जो वास्तविक प्रसार गुणांक होगा वो द्रव का आभासी प्रसार गुणांक प्लस जो बर्तन का जो प्रसार गुणांक था उसके योग के बराबर होगा। बच्चों हमने ठोस तथा द्रव के प्रसार को देखा, आइए हम ठोस तथा द्रव के ताप के साथ घनत्व परिवर्तन को देखते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे जैसे हम किसी पदार्थ चाहे वो ठोस हो द्रव हो उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं ताप बढ़ाते हैं तो उसके उसमें प्रसार होता है, उसके आयतन में वृद्धि होती है। आयतन में वृद्धि होती है मतलब कि उसका घनत्व तो घट रहा है लेकिन द्रव्यमान वही रहता है। मान लीजिए कि किसी पदार्थ का 0 डिग्री सेल्सियस पर आयतन भी 0 तथा घनत्व तो डी 0 है तथा पदार्थ को टी डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर उसका आयतन भी टी तथा घनत्व तो डी टी हो जाता है, तो उस पदार्थ का द्रव्यमान एम को लिख सकते हैं भी 0 इंटू डी 0 इक्वल टू भी टी इंटू डी टी। अब यहाँ से भी टी क्या हो जाएगा जो वॉल्यूम एक्सपेंशन से कि टी टेम्परेचर पे वॉल्यूम क्या होगा भी टी इक्वल टू भी 0 1 प्लस अल्फा भी टी, जहाँ अल्फा भी कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है। यहाँ से अगर आप इस इक्वेशन से देखें तो आप लिख सकते हैं डी टी इक्वल टू भी 0 इंटू डी 0 अपान भी टी, और यहाँ से हो जाएगा भी 0 इंटू डी 0, और यहाँ से वी 2 की वैल्यू रखेंगे भी 0 1 प्लस अल्फा भी टी। इसको हम लिख सकते हैं डी 0, और इसको अगर हम अंश में ले जाए ऊपर ले जाए 1 प्लस अल्फा भी टी, और ये हो जाएगा -1 इन्वर्स हो जाएगा। चूँकि अल्फा भी और टी की वैल्यू बहुत ही कम होगी तो इसका हम बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन से ये लिख सकते हैं डी टी इक्वल टू डी 0 1 माइनस अल्फा भी टी, डी टी इक्वल टू डी 0 1 माइनस अल्फा भी टी। यहाँ से देखिए, यहाँ से देख सकते हैं कि जैसे जैसे पदार्थ का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उसका घनत्व तो कम होता जाएगा। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जो निगेटिव थर्मल एक्सपेंशन दिखाते हैं, जैसे कि जल। जल का जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस से उसका टेम्परेचर कम किया जाता है तो उसके आयतन में प्रसार होता है। जल का असंगत प्रसार को समझिए। जल को जब टेम्परेचर को रूम टेम्परेचर से धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, जैसे जैसे ये हम ठंडा करते हैं 4 डिग्री सेल्सियस तक इसका आयतन क्या हो रहा है घट रहा है, जो कि उस जो द्रव का घनत्व में परिवर्तन का अभी जो इक्वेशन था उसके अकॉर्डिंग ही था। लेकिन उसके बाद अगर हम 4 डिग्री सेल्सियस के बाद भी ठंडा करते हैं तो अब इसके आयतन में वृद्धि हो जाती है। कहने का अर्थ है जल का 4 डिग्री सेल्सियस पे जो आयतन होता है सबसे कम होता है, और उसके बाद टेम्परेचर बढ़ाने पर उसके आयतन की वृद्धि होती है, और 4 डिग्री सेल्सियस से कम करने पर टेम्परेचर को आयतन में वृद्धि होती है। इसी प्रकार घनत्व और ताप में आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को कम करते जा रहे हैं तो घनत्व क्या हो रहा है बढ़ता जा रहा है, और 4 डिग्री सेल्सियस पे जो घनत्व होता है जल का वो मैक्सिमम होता है, और फिर जब 4 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर से और कम किया जाता है तो घनत्व 4 से 0 डिग्री सेल्सियस के बीच में घटता जाता है।
बच्चों, जल के असंगत प्रसार का कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव है। ठंडे देशों में तालाबों के जम जाने पर उनमें मछलियां जीवित रहती हैं। जब वातावरण का टेम्परेचर गिरता है तो जो तालाब के ऊपरी सतह का जल होता है वो अपने उष्मा का कुछ पार्ट वातावरण को देता है और वो ठंडा होता है, उसका घनत्व बढ़ जाता है और संघनित होकर वो नीचे आ जाता है और नीचे से जो उष्ण जल है वो ऊपर जाता है, फिर वो अपने भाग से कुछ उष्मा वातावरण को देता है और फिर वो संघनित होकर नीचे आता है। और ये क्रिया तब तक चलती रहती है कि जब तक पूरे तालाब का जो टेम्परेचर समान ना हो जाए। जब पूरे तालाब का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और फिर ऊपर के सतह का जो पानी जो होता है वो अपना उष्मा अगर वातावरण को देता है तो अब इसका घनत्व कम होता है, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने पर टेम्परेचर कम होने पर जल का घनत्व कम होता है और ये ऊपर ही रहता है और उससे कम होने पर 0 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे बर्फ जम जाता है और जिससे कि इसके नीचे के जो अभी भी जो द्रव अवस्था में ही जल रहता है, चूँकि ये आइस लेयर होता है, ये बर्फ जम जाता है, बर्फ उष्मा का कुचालक होता है तो अभी भी नीचे उसके द्रव रहता है और उसमें जलीय जीवन बना रहता है, मछलियां कछुए आदि जीवित रहते हैं। इसी प्रकार जाड़ों में पहाड़ी चट्टाने स्वयं फट जाती हैं और अत्यधिक ठंड में जल ले जाने वाले नल फट जाते हैं, क्योंकि पहाड़ी चट्टानों में जो दरार होती है, छिद्र होते हैं, उसमें पानी रहता है और जब ज़्यादा कोल्ड होता है, ठंड पड़ती है, बर्फ जमता है, आयतन बढ़ जाता है, चट्टाने फट जाती हैं। अत्यधिक ठंड में जल ले जाने वाले जो नल होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं और जो जल का आयतन बढ़ जाता है इसलिए जल ले जाने वाले नल फट जाते हैं और पौधों के अंदर जल जम जाने पर उनकी नसें फट जाती हैं। यहाँ पे देखिए कुछ पदार्थों के लिए आयतन प्रसार गुणांकों के मान है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ठोस और द्रव है उसके आयतन प्रसार गुणांक का मान कम है। यहाँ पे एल्कोहल इथेनॉल का आयतन प्रसार गुणांक सबसे अधिक है। द्रवों में जो प्रसार गुणांक था वो अपेक्षाकृत ताप पे निर्भर नहीं करता है, जबकि गैसों में जो प्रसार गुणांक होता है, आयतन प्रसार गुणांक, वो ताप पर निर्भर करता है और एक आदर्श गैस के लिए नियत दाब पर आयतन प्रसार गुणांक का मान हम आदर्श गैस समीकरण से निकाल सकते हैं। तो आदर्श गैस समीकरण क्या है? PV = μRT। मान लीजिए हम प्रेशर को नियत रखते हैं, पी को हम कांस्टेंट रखें और उसमें डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाएं, डेल्टा टी टेम्परेचर की वृद्धि करें तो उसके आयतन में वृद्धि हो जाती है डेल्टा भी। हम लिख सकते हैं PV = μR (T) और यहां से हम लिख सकते हैं PV (PV · μRT) (μR · Δt). अब इक्वेशन से देखिए PV = μRT, तो ये जो PV और μRT बराबर होंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से मिलेगा P × Δv = μR · Δt। ये इक्वेशन हमें प्राप्त होता है। अब इक्वेशन 2 में अगर इक्वेशन 1 से भाग दें तो ये हो जाएगा Δv/V = Δt/T और यहाँ से हमें मिल जाता है Δv/V × Δt और ये हो जाता है 1/T के। अर्थात जो ये क्या है, ये पदार्थ का गैस का आयतन प्रसार गुणांक है, अर्थात अल्फा भी जो होगा वो 1/T के बराबर होगा। अगर हम टी 0 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, कहने का मतलब कि अगर केल्विन में चेंज करें तो ये 273 केल्विन रखते हैं तो अल्फा भी की वैल्यू आती है 3.7 × 10⁻³ प्रति केल्विन। आप देखिए, आप तुलना कर सकते हैं कि ठोस और द्रव के आयतन प्रसार गुणांक की तुलना में गैस का आयतन प्रसार गुणांक बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए हम कहते हैं कि ठोस और द्रव की तुलना में गैसों का प्रसार ज़्यादा होता है। बच्चों, इसी प्रकार हम गैस के दाब प्रसार गुणांक भी निकाल सकते हैं और आप देखेंगे कि जो अल्फा पी आएगा 1/T आदर्श गैसों के लिए आयतन प्रसार गुणांक और दाब प्रसार गुणांक बराबर होता है।
तो बच्चों, आशा करते हैं कि आपको ये व्याख्यान समझ में आया होगा। तापी प्रसार क्या होता है, जल का असंगत प्रसार क्या है और उससे संबंधित जो व्यवहारिक उदाहरण है, अब आप उसकी व्याख्या खुद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। बच्चों, जल्दी से ये गृहकार्य नोट कर लीजिए और इसको अवश्य हल करिएगा। और इससे संबंधित, इस चैप्टर से संबंधित जो भी आपके बुक में क्वेश्चन होंगे, उसको सॉल्व करिएगा। आगे हम इसके भाग दो में आपको तापीय प्रतिबल, विशिष्ट ऊष्माधारिता और अवस्था परिवर्तन के बारे में बताएंगे, ऊष्मा मिति के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।